आज की रेसिपी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में कद्दू की खीर हाँ जी कद्दू की खीर बहुत ही गजब की बनती बहुत टेस्टी बनती है लेकिन आपका कद्दू पका होने चाहिए इस तरीके से पूरा पीला होने चाहिए तो आपकी खीर बहुत टेस्टी बनेगी मजा आ जाएगा खाने में तो चलिए आप लोग दिखाते कि किस तरीके से बनाएंगे हम कद्दू की खीर हमने कद्दू को ग्रेट कर लिया गाजर नहीं है एक कद्दू है पम्पकिन ये पम्पकिन है तो पम्पकिन को हमने ग्रेट कर लिया है कद्दू किस कर लिया है ये देखिए राइस हमने गला के रख दिए थे हमने सौ ग्राम राइस लिए हैं और पाँच सौ ग्राम हमने इसमें कद्दू लिया है ग्रेट करा हुआ पाँच सौ ग्राम ग्रेट करा हुआ कद्दू राइस को हम पका लेंगे पहले जो राइस हमने गला के रखे उसको पहले हम पका लेंगे क्योंकि कद्दू बहुत जल्दी पक जाता है राइस पक नहीं पाएगा तो कद्दू की क्या बन जाएगा पूरा घुल जाएगा उसमें तो ये राइस को हमने पकने के लिए डाल दिया है राइस का पानी इसी में पूरा सूख जाएगा तो उसके बाद में इसमें हम दूध डालेंगे गर्म करके ये देखिए इस तरीके से पूरा राइस हमारा पकने लग गया तो पूरा पानी सोख लेगा ये उसके बाद इसे हम दूध डाल देंगे ये देखिए पूरा राइस सूख जाएगा ड्राई हो जाएगा इसमें पूरा ड्राई हो गया तो इसी में हम आप दूध डाल देते हैं दूध लगे हमें ढाई लीटर ढाई लीटर दूध गर्म करके डाल रहा हूं मैं आप चाहो तो इसमें पानी मिक्स कर सकते हैं दो लीटर लेकर बाकी आप इसमें पानी डाल दें लेकिन खीर खाना है आपको मजे लेना है खीर के इस तरीके से जैसे हमारा ये दूध गर्म हो गया था इसको गर्म दूध तो था ही अब हमने इसमें राइस हमारा पका हुआ है हमने कद्दू डाल दिया इसको हमने धो के डाला कद्दू उसमें ग्रेट करा था ग्रेट करने के बाद एक बार और धो लिया हमने ये देखिए अब इसको पकने देंगे जब तक पकने देंगे जब तक ये पूरा अच्छे से घुल नहीं जाता राइस एकदम भूल नहीं जाता सॉफ्ट नहीं हो जाता पूरा राइस जब तक इसको हम पकाएंगे, कद्दू भी उसमें मैश हो जाएगा तो इसको अच्छे से पका लेते हैं अभी कम से कम इसको पंद्रह मिनट पकाएंगे, तो ये बहुत बढ़िया पकेगा पंद्रह से पंद्रह मिनट के आसपास में ये पक जाएगा पंद्रह मिनट हमारी खीर बहुत प्यारी बनेगी कद्दू की आप गरम गरम खा सकते ठंडी भी खा सकते हैं ये देखिए इस तरीके उबलने लग गई खीर हमारी पक गई अब हम इसमें डाल देंगे गुड़ गुड़ डाला इसमें करीब हमने डेढ़ सौ ग्राम गुड़ डाला है थोड़ी सी इसमें हम शक्कर डाल देंगे तो हमने ढाई लीटर दूध लिया था तो करीब डेढ़ सौ ग्राम हमने इसमें गुड़ डाला है और शक्कर डाल देंगे इसमें करीब पचास ग्राम अगर ज्यादा मीठा रखाते हैं तो आप थोड़ी ज्यादा डाल सकते हैं और कम खाते हैं तो कम डाल सकते हैं लेकिन गुड़ की खीर कद्दू की कद्दू वाले गुड़ वाली खीर खाओगे कद्दू की तो मज़ा आ जाएगा खा के ये देखिए इसको हमारी खीर जो कि पक चुकी थी राइस पूरा टूट फूट पूर चुका है देखिए मज़ा आ गया और इस तरीके से हमारे रेडी हो गया है तो इसे हमने गुड़ और शक्कर डाल दी है बस इसको थोड़ी देर और पकाएंगे उसके बाद हम गैस बंद करेंगे और ठंडी होने के लिए रख देंगे आप गर्म भी सर्व कर सकते हैं ठंडी भी सर्व कर सकते हैं जैसी आपकी इच्छा है वैसी आप इस खीर को सर्व कर सकते हैं ये देखिए बहुत ही प्यारी खीर बनती है बहुत गजब की बनती है ये देखिए इस तरीके से पक रही है अब इसमें आप चाहो तो थोड़ी सी केसर या चाहो तो दूध मसाला भी डाल सकते हो लेकिन इसमें जरूरत नहीं है अगर केसर है तो केसर डाल दीजिए थोड़ी सी इलायची डाल दीजिए और ये हमने डाल दिए ड्राई फ्रूट डाल देते हैं काजू किशमिश बादाम जो आपके पास ड्राई फ्रूट है वो आप इसमें डाल दें ये देखिए हमने काजू बादाम डाला इसके अंदर और जरा सा हमने इसमें हाफ टी स्पून दूध मसाला डाला आपके पास दूध मसाला है दूध मसाला केसर है तो केसर डाल सकते हैं आपके पास जो है वो डाल दें इस तरीके से हमारी खीर रेडी हो चुकी है बस इसको हम सर्व करके दिखाते हैं और इसको आप ठंडी करके खाएंगे तो बहुत मजा आएगा कद्दू की खीर बहुत गजब की रेसिपी है बहुत अच्छी रेसिपी है इस तरीके से अगर आप लोग कद्दू की खीर बनाते हैं तो नुगलियाँ चाटते रह जाओगे देखिए हमारी कद्दू की खीर रेडी और इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं आप लोगों लिंक मिल जाएगी शेव भाजी की पांच प्रकार की ग्रेवी येलो ग्रेवी चौ मसाला पंजाबी ग्रेवी पंजाबी मखनी ग्रेवी शेव भाजी जरूर देखना बहुत गजब की रेसिपी हो पंजाबी ग्रेवी और ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है हमारी कद्दू की खीर तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं तो हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना लाइक ज़रूर कर देना कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को कद्दू की खीर कैसी लगी आप लोगों को लिंक मिल जाएगी हमारे तीनों चैनल की जाकर चेक कर लीजिएगा तो आपको कुछ ना कुछ आपको उसमें देखने को मिल जाएगा थैंक यू धन्यवाद इस तरीके से आप लोग कद्दू की खीर बना सकते हैं लाजवाब बहुत टेस्टी लगती खाने में ज़रूर ट्राई करना एक बार तो थैंक यू धन्यवाद